सिर्फ 7 दिनों के अंदर कैसे आए हमारे इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर्स। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको 7 दिन के अंदर ही 50,000 फॉलोअर्स से ज़्यादा आए हैं स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। स्ट्रैटेजी की एक एक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो पे शेयर करूंगा। अगर आप भी इंस्टाग्राम पे अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपने अकाउंट पे ज़्यादा फॉलोअर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस पर करेंटली अभी 52.8K फॉलोअर्स हैं और ये रिसेंटली आए हैं। पहले हमारे पास लगभग 5-6 हज़ार के करीब फॉलोअर्स थे और अचानक से हमने एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया अच्छे से रिसर्च करके और 7 दिन के अंदर हमको लगभग 50,000 फॉलोअर्स आए हैं इंस्टाग्राम पे। मैं आपको सीधा यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड है यहाँ पे लेके जाता हूँ। बेसिकली जिनका भी बिजनेस अकाउंट है उनका एक डैशबोर्ड आ जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 तारीख तक के अराउंड हमारे पास उतने ही फॉलोअर्स थे, थोड़े मोड़े फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे और अचानक से 16 तारीख से लेकर के 23 तारीख के बीच में बहुत तेज़ी से बहुत सारे फॉलोअर्स आए हैं। मैं अब यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। बाय द वे यहाँ पे आप देख सकते हो 1.8 मिलियन अकाउंट्स हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड हुए हैं विद इन 30 डेज के अंदर। 1.8 मिलियन मतलब पता है कितना होता है? 18 लाख। 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने कहीं ना कहीं एंगेज किया हमारे कॉन्टेंट के साथ या वो कहीं ना कहीं कनेक्ट पे आए हैं हमारे कॉन्टेंट के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरव्यू में अकाउंट रीच्ड में आपको दिखा देगा 1.8 मिलियन, अकाउंट एंगेज में दिखा देगा लगभग 2 लाख से ज़्यादा अकाउंट एंगेज हुए हैं, मतलब लोगों ने लाइक किया है या कमेंट किया है, कुछ ना कुछ एंगेज किया है या बेसिकली हमारी रील्स को सेव किया है। और यहाँ पे आपको टोटल फॉलोअर्स में आ जाएगा 52.8। अब आप में से कई लोग बोलोगे ये तो पूरे मंथ का डेटा है, एक हफ्ते का थोड़ी है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ लास्ट 30 डेज़ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं लास्ट 7 डेज़ पर चले जाता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज़ में हमारे पास 1.7 मिलियन अकाउंट रीच किए और बेसिकली 192K लगभग 1,92,000 अकाउंट एंगेज किए और फॉलोअर्स उतने के उतने ही, मतलब 52,000.8K फॉलोअर्स हैं। आपको और आगे कंटेंट के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं सारे कंटेंट देख लेते हैं कि हर एक कंटेंट पे क्या रिस्पॉन्स है। तो आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे जो रील्स हैं हर रील्स में 20-30 हज़ार से ज़्यादा ही व्यूज़ आ रहे हैं। कुछ रील्स हैं जो बहुत अच्छी गई है। अच्छा, मैं आपको एक्चुअल में इसकी स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैं आपको सीधा होम पेज पे लेके चलता हूँ और आप देख सकते हो आज से लगभग 2 महीने पहले हमारी हर एक रील्स पे ऑन एन एवरेज 1-2 हज़ार के करीब के व्यूज़ आ रहे थे। 1,000, 2,000, कोई व्यू, कोई रील्स बहुत अच्छी गई तो चलो 3,000 उसमें, बट बेसिकली ये एक एवरेज व्यूज़ थे और उतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतना पलट गया, 7 दिन के अंदर 50,000 फॉलोअर आ गए। उसमें मैं आपको यहीं पे दिख जाएगी सारी चीज़ें, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। 5 स्ट्रैटेजी है जिसको हमने एक साथ इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट हमको एक हफ्ते के अंदर दिख गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमारे रील्स में 1-1.5 हज़ार के करीब व्यूज़ आ रहे थे। जितने व्यूज़ आते हैं आप मान के चल लीजिए कि 1-2% उतने हमारे फॉलोअर्स भी उसमें गेन होते थे, तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत ज़्यादा नहीं था। अब जैसे ही धीरे धीरे हमने स्ट्रैटेजी लगाना शुरू किया, प्रोफेशनली चीज़ों को करना शुरू किया, अचानक से बहुत ज़्यादा व्यूज़ में स्पाइक हुआ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ इंक्रीज़ हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी 5,000 तक के व्यूज़ है। अचानक से ये वाली रील है इसमें 19,000 के करीब व्यूज़ आ गए, लगभग 20,000 के करीब। अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ है मैं आपको 5 पॉइंट पे एक्सप्लेन करता हूँ जिसके कारण इतनी तेज़ी से ग्रोथ हुई है। और ये 5 चीज़ें जितनी भी रील्स हमारी दिख रही है इन सब के अंदर हमने डाली हुई है। सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्टेंट। कंटेंट पे भी किस तरीके का कंटेंट? कॉन्वर्जेशनल कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर बेसिकली हर कंटेंट जो हमारा रील में जो अच्छा गया है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन चल रही है, यानी कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी पॉडकास्ट में और कोई आंसर दे रहा है। इससे क्या होता है, एक स्टोरी लाइन क्रिएट होती है। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्यूरोसिटी क्रिएट होती है व्यूअर्स के भी माइंड में कि इसका आंसर क्या हो सकता है, और आगे वाला बंदा जिनके भी साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो उसका एक आंसर देते हैं। और इस तरीके से ये क्या होता है कि बेसिकली ये एक क्यूरोसिटी वाला इफेक्ट क्रिएट करता है, एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि आखिर में इस चीज़ का आंसर क्या आएगा। तो लोग उस चीज़ को देखने के लिए रील्स में पूरे टिकते हैं, तो रील्स का जो एवरेज टाइम है वो इंक्रीज़ होता है। फिर कई बार लोग उस रील्स को देखते हैं, लोग सेव भी करते हैं और आसपास दोस्तों को भी शेयर करते हैं अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन रही तो वहाँ से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है कॉन्वर्जेशनल कॉन्टेंट, मतलब बेसिकली 2 लोगों के बीच का कंटेंट। इसके अलावा जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एक रील की एडिटिंग।
एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रील्स पे व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अब अगर आप हमारी एडिटिंग देखोगे तो दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो है वो है कैप्शंस। हर एक रील पे आपको कैप्शन लिखा हुआ आता है। कई लोग हैं जो देखने के साथ पढ़ते भी हैं, और जब वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आता है तो वो हुक हो जाते हैं। इसी चीज़ के कारण उनके जो रील्स है उस पर बहुत लंबा वॉच टाइम आता है और इवेंचुअली वो रील्स वायरल होती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिटिंग का, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। आप देख सकते हैं हमारी हर रील पे बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और बहुत सूदिंग बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो कि लोगों को मोटिवेट करती है पूरा देखने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यानी कि हर रील के बाद हमारी ब्रांड का एक कॉल टू एक्शन है, ब्रांड का एक लोगो है, जिससे लोग क्या करते हैं, याद करके रखते हैं और इनफैक्ट फॉलो भी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है रील को अगर आप एडिट कर रहे हो तो इन तीनों चीज़ों को डालना ज़रूर। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है पोस्ट करने का टाइम। हर दिन हम 4 बजे अपनी रील को पोस्ट करते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम खुद बताता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो 5 बजे के करीब सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। ऑडियंस जो है एक्टिव होना शुरू 5 बजे से होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस के आने से पहले ही 1 घंटा पहले रील्स अपनी पोस्ट कर देते हैं, यानी कि 4 बजे। और ये चीज़ हम हर दिन करते हैं, हर दिन 4 बजे उसी टाइम पे हम अपनी रील्स को पोस्ट कर देते हैं, और वहाँ से हमको सबसे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। ये चीज़ करके आप भी देख सकते हो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको भी सही रिजल्ट मिले। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कैची थंबनेल रखना। पहले ना हम थंबनेल पे ध्यान नहीं देते थे। आप पहले की हमारी रील्स देखोगे ना, बिल्कुल भी थंबनेल पे उतना अच्छा हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता था। कई रील्स पे तो हमने थंबनेल भी नहीं डाला। बट अब जितनी भी रील्स हमारी आ रही है सब में प्रॉपर थंबनेल है, और आप डिफरेंस देख सकते हो। जिन जिन रील्स में थंबनेल्स है उन रील्स पे अच्छे खासे व्यूज़ हैं, जिन पे नहीं है उन पे व्यूज़ कम है। तो कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम भी ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आप कितना एफर्ट कर रहे हो एक रील पोस्ट करने के पीछे। और तो और बहुत सारे लोग हैं वो आपका थंबनेल देख के भी क्लिक करते हैं, उनका क्लिक थ्रू रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और बेसिकली वहाँ से ज़्यादा ऑडियंस आती है। इंस्टाग्राम को लगता है कि आपका कंटेंट ज़्यादा रेलेवेंट है, और वो आपका कंटेंट ज़्यादा लोग के बीच में सर्कुलेट करता है। तो कहने का ये मतलब है कि आलसी मत बनो, अगर रील अपलोड कर रहे हो तो कैनवा पे जाओ, अपने खुद का थंबनेल बनाओ, और थंबनेल के साथ अपनी रील को पोस्ट करो। अब इसके अलावा 5वीं सबसे स्ट्रेटेजी और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग्स यूज़ करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 हैशटैग यूज़ करो। अपने बिजनेस से रिलेटेड करो, अपने अकाउंट से रिलेटेड करो, अपनी रील से रिलेटेड करो, अपने डोमेन से रिलेटेड एक हैशटैग यूज़ करो। सो बेसिकली 4 हैशटैग्स बहुत इनफ है। बहुत सारे लोग हैं वो 10-10, 15-15 हैशटैग्स यूज़ कर देते हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 या 2 हैशटैग भी यूज़ नहीं करना है, 3 से 4 हैशटैग यूज़ करोगे वो परफेक्ट है। 1 हैशटैग होना चाहिए जो आपके रील के बारे में होना चाहिए, मतलब आपने जिस टॉपिक के ऊपर बनाया है उस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए। 1 हैशटैग होना चाहिए जो आपके अकाउंट के ऊपर होना चाहिए, जो आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसके ऊपर होना चाहिए। 1 हैशटैग है जो कि ज़्यादा ट्रेंडिंग है उसके ऊपर होना चाहिए, जिस पे ज़्यादा अभी कंटिन्यूसली व्यूज़ है। और 1 हैशटैग है जो आपका सेकेंडरी कीवर्ड है कोई भी, आप उसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेली 4 बजे रील्स पोस्ट करते थे, प्रॉपर एडिटिंग के साथ, प्रॉपर थंबनेल के साथ, और प्रॉपर हैशटैग्स यूज़ करके, ना ज़्यादा ना कम। और उसका रिजल्ट आपके सामने है, सिर्फ 7 दिन के अंदर 52,000 फॉलोअर्स हमको आए हैं, 100% जेन्युइन। जाके भी आप देख सकते हैं, और सेम स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप भी अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको डिटेल में जानना है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, तो हमारी एक बढ़िया वेबसाइट भी है जहाँ पर हम बहुत सारे ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर, ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर कोर्सेज रखते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कोर्सेज भी देख सकते हैं। हो सकता है कि कोई ऑनलाइन बिजनेस आइडिया आपको भी अच्छा लग जाए और आप भी हमारे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना सीखें। अगेन, अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ और आप सभी के लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।